पे चल रहा है वॉच क्रिप्टो विन, जहाँ पे आप 15 मिनट वीडियोस देख के बहुत सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। तो अगर आपने अभी तक बोया को डाउनलोड करके नहीं रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बोया का, तो वहाँ से डाउनलोड करो एंड वीडियोस देख के जीतो बहुत सारे रिवॉर्ड्स। वेलकम बैक टू अ डिलीटेड सीन वीडियोस फ्रॉम वेबो एसएमपी। या मतलब ये जो सीन से ना, ये मैं डिलीट करके फेंकने वाला था, बाद मैंने सोचा कि तो चलो इससे भी थोड़ा व्यूज कमा लेते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि डाल देता हूँ। तो ये थोड़ा सा ब्लॉक टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला दिन का हमारा शुरुआत होता है यहाँ पे मंदिर के आसपास, मतलब टेम्पल के आसपास, क्योंकि ये सुबह हो रहा था। और सिंपल बात है, मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना ही नहीं था, मैं ऐसे कर रहा था। तो मैं सोचा भाई क्या करें, तो मेरे पास दिमाग में आइडिया आया कि ये जो ब्लू वाला आपको वुड देख रहा है, वॉप्ड वुड, तो इसने जो मेरे को पेमेंट दिया था, जिसने मेरे को दिया था, उसको पेमेंट अभी तक नहीं दिया, तो चलो उसका पेमेंट का तैयारी करते। तो उसने मेरे को मांगा था कुछ मिनी ब्लॉक्स, एंड मिनी ब्लॉक्स के लिए हमें चाहिए भाई बहुत सारे एमरल्ड। तो एमरल तो हमारे पास है ही नहीं, दो चीज़ चाहिए, एक एमरल, एक है भाई ब्रेंडिंग ट्रेडर, जो कि दोनों ही मेरे पास नहीं था। तो इसके लिए चाहिए था विलेजर, और विलेजर हमें मिलने वाला था सामने वाले घर पे, जहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक फालतू बंदा रहता है, जो कि कोई काम का नहीं है, सिर्फ बिल्ड करता रहता है, जो कि मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा सोचा कि भाई अभी तो कोई है नहीं, तो इस पर थोड़ा सा जासूसी करते हैं कि अगर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, मैं तो नहीं जाने वाला उसके पास, बट अगर ना मिले भाई उसको जाके उसका विलेजर लेके आ जाएंगे। मतलब विलेजर लेके नहीं आऊँगा, मतलब उसका एमरल लेके आ जाऊँगा, मतलब एमरल भी नहीं लेके आऊँगा, उसके विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके लेके आऊँगा। दिमाग समझ लो, ठीक है, जो भावना है मेरा वो समझ लो। तो मैं लग गया उसको देखने में, स्पेक्टेट करने में, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई उसने क्या क्या वहाँ पे करके रखा है इतना। और ये देखो, ये है नल्ले बच्चे सब भाई, मैं जब भी गेम खेलता हूँ ये लोग मेरे को इनवाइट करते रहते हैं, आप लोग भी करते रहते हो, मतलब ठीक है भाई थोड़ा सा कम करो, मतलब करो बट कम करो। तो इसके बाद मैं आ गया उसके पास, और मैंने सोचा भाई मेरा 2-3 दिन से यहाँ पे इसका काम नहीं हुआ, इनका कलरिंग करने का, मतलब हाँ मैं इसका इसका ही फ्लावर उठा के इसको कलर कर देता हूँ। मतलब मेरे को रेड वाला ज़्यादा पसंद है, ब्लू वाला ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है ब्लू वाला, बट माइनक्राफ्ट में रेड वाला ज़्यादा पसंद है, ठीक है, समझ लो भावना को, समझ लो जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने सोचा भाई फ्लावर में कलर करते हैं, फ्लावर में नहीं, ये जो भी बोलते हैं इसको, ये भेड़ के फ्लावर करते हैं, भेड़ को क्यों फ्लावर करूँगा, भेड़ को कलर करते हैं। तो इसको आके भाई कलर करने लग गया, एंड आई थिंक 6 को मैंने कलर किया। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे देखना, एक पिंकी नहीं, ये कालिया क्यों खड़ी है यहाँ पे, मतलब एक ही है ये कालिया, ठीक है, मतलब इसका कालिया इसलिए नाम है क्योंकि ये कालिया नहीं है, और मेरा वाला जो था उसका नाम पिंकी है क्योंकि वो पिंक नहीं है, ठीक है, समझ लो भावना को, समझ लो आज बहुत भावना बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये बिहाइंड द स्लिप क्लिप है, बिहाइंड द सीन क्लिप है, जो भी है। तो यहाँ पे आ गया इसके इसके पास, एंड भाई ये खतरनाक खतरनाक चीज़ें दे रहा है, मतलब इतना महंगा कौन देता है भाई। तो मैं लग गया इसको ग्राइंड करने में, मतलब मैं ग्राइंड इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि उनको ट्रेडिंग करना है, और ग्राइंड मैं कर भी रहा हूँ उसके इससे, ठीक है। और मैं पहले देख रहा था यहाँ पे कोई है कि नहीं, क्योंकि भाई पता चले फार्म में भी किसी ने कुछ लगा के रखा है, तो मैं लग गया पराठा उठाने में, क्योंकि भाई मेरे को खाना भी चाहिए था, ऊपर से उनके साथ ट्रेडिंग भी करना था। और सबसे ज़्यादा कम दे रहा था आई थिंक भिले ना फार्मर्स बहुत एमरल्ड ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि फार्मर्स को लूटते हैं। तो फिर मैंने इसको रिप्लांट भी कर दिया, क्योंकि भाई अगर उसने देख लिया ना ये प्लांटेड नहीं है, पूरा ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद मैंने ये भी उठा लिया, सब भी उठा लिया क्योंकि मेरे को चाहिए था, तो इसको रिप्लांट कर दिया एंड इसे भी उठा लिया। भाई कैरेट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट वो कैरेट स्ट्रेट कर रहा था, मैं क्या करूँ, कैरेट उठा लिया, ठीक है। एंड इसके बाद मैं फिर चला इसके पास, एंड यहाँ पे देखो कितने सारे एमरल्ड है भाई, सब उठा लेंगे आज, बहुत सारे एमरल्ड मिलने वाले। ये भाई 24 में ले रहा था, पर थोड़ी देर पहले भाई इससे भी कम में दे रहा था, मतलब पता नहीं इनको क्या हुआ, फिर महंगा कर दिया भाई इन लोगों ने, मतलब दिमाग ख़राब करते बहुत ज़्यादा मेरा, क्या करें, बट ये दे रहा था तो उठा लो। एंड देन भाई बहुत सारे एमरल्ड मिले हमें, आई थिंक 2 स्टैक तो नहीं भाई,
भाई वन स्टैक एंड 37 के आसपास हमें मिले थे। बट यहाँ पे ना एक कांड हुआ, और कांड क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा भाई एक बंदा कोल भी सेल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि कोल भी उठा लेते, तो मेरे पास बहुत सारे कोल्स थे तो मैंने बोला ले लेते। बट इसके बाद भाई मुझे नहीं पता था इस बंदे ने यहाँ पे गार्ड बैठा के रखा है, और गार्ड क्या है वो मैं दिखाता हूँ। वट पहले तो भाई ये उठा लेता हूँ, बिहाइंड द सेट क्लिप है, बिहाइंड द सीन क्लिप है, तो भाई कुछ एडिट नहीं करने वाला, सिंपल डालने वाला, ठीक है तो देख लो। एंड यहाँ पे देखो कॉल भी मिला, तो मैंने सोचा कि इससे भी उठा लेते हैं। बट ये वाला बंदा भाई, तू तेरा दोस्त भाई 14 में दे रहा है, तू 15 में क्यों दे रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या नाला बनती है। और इससे मैंने उठा लिया सारे के सारे, बट इतना जल्दी ये स्टॉक आउट कर देगा मेरे को पता नहीं था। और ठीक है इसके बाद देखो भाई दो स्टैक ऑलमोस्ट होने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को लगा भाई वो बंदा आ गया और मेरे को अभी खा जाएगा, बट ये कुछ और ही था। ये देखो एनिमी भाई ये कौन सा MPL है, जो भी है मैं इसको MPL ही बोलता हूँ, क्योंकि MPL में मैंने 200 रुपया डाला था, मेरे को 400 रुपया अभी तक नहीं मिला, तो इसको MPL करके कंसिडर करता हूँ और इससे 400 रुपया मांगता हूँ। ये मेरे को अभी तक नहीं दे रहा, बहुत स्पीड से बोल दिया, अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। बट अभी ये कहाँ से भाई पूरा नेदरराइट का आर्मर पहन के, जॉम्बी का थोपड़ा लगा के और स्वॉर्ड लेके मेरे पीछा कर रहा है। मैंने बोला भाई इससे तो मैं बच जाऊंगा, बट ये इससे कैसे बचूंगा ये नेदरराइट से। तो बोला कि भाई यहाँ से थोपड़े से भाग लो, तो मैं निकल लिया और क्या। बट मैंने सोचा भाई मैं निकल लेता हूँ, बट रे बाप ये मेरे पीछे लग गया, देखो ये भाई पीछे करने लग गया। और ये जो भी चीज़ है भाई, ये भाई देख वो दिखाएगा नहीं, मैं ही दिखा देता हूँ, ठीक है। वो वीडियो बनाता नहीं है, मैं बनाता हूँ, तो मेरे वीडियो में ही देख लो, मुझे व्यूज मिलेंगे, उसको भूल जाओ। और भाई इसके बाद बहुत ज़्यादा भाई इसने मेरे को भगाया, क्या बोलूँ, भगाते जा ही रहा है भाई, मतलब दिमाग खराब का हो रहा है, जहाँ पर भी जा रहा हूँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये देखो भाई ये कौन सा भाई ये है जॉम्बी है जो कि उड़ता है, मेरे को पता नहीं चलता भाई ऐसे करके कौन करता है भाई। ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ से निकल लिया और ये फिर भी पीछे आ रहा है, मतलब छोड़ ना भाई पीछा, तेरे को काम नहीं है जाके कुछ बिल्ड कर या वीडियो बना, मेरा पीछा क्यों कर रहा है मेरे को पता नहीं। तो मैं किसी के घर में जाके घुस गया, एंड ठीक है वो दिखा तो नहीं बट निकल गया था। बट फिलहाल मैंने सोचा भाई यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, वो दिख तो नहीं रहा, तो मैं गया खेत में, क्योंकि मेरे को और भी एमरल्ड चाहिए था तो इसके लिए ट्रेडिंग करना था। और ये देख रहे हो पास से पास कहाँ से आ गया, और उसके बाद से फिर से पीछे लग गया भाई, पीछे छोड़ ही नहीं रहा, मतलब जाओ ना भाई अपने काम करो ना, ये मेरा पीछे क्वाई कर रहे हो, वाई भाई ये छोड़ता ही नहीं है, ये देखो क्या बोले। तो इसके बाद मैं सोचा कि भाई पानी से निकल जाता हूँ, क्योंकि ये ड्राउन बन जाएगा अगर पानी से जाऊँगा तो। मैं गया बोट में, और ये देखो भाई बोट भी कैसा नशीला बोट है भाई, पानी में नहीं चलता बट या इसके ऊपर चलता है, और ये जस्ट मेरे को मारने वाला था, आई डोंट नो मारा क्यों नहीं, बट फिलहाल मैं निकल लिया। बट साइड में जैसे देखा, ये देखो ये भी भाई बोर्ड लेके आ रहा है, मतलब क्या भाई, मैं भागा कितना दूर दूर भागा, बट ये मेरा पीछे छोड़ता ही नहीं है। बट फिलहाल मैंने देखा कि भाई ये अटक चुका है, इसका बोर्ड मैं लेके भाग गया था, तो जब इसको देखा भाई ये मैसेज कर रहा है कहाँ गया, मैं मतलब क्या कौन भाई कौन कहाँ गया, तो भाई उस लिख रहा है भाई मैं, ठीक है भाई ठीक है ये भी सही है, क्या लिख रहा है आप देख लो भाई, मेरे को लगा ये ब्रेक डांस कर रहा है बट ये मैसेज कर रहा था। ये देखो मेरा शिकार, भाई मैं तेरे को बचाने आया, मतलब जॉम्बी का भी दिल होता है बट इसका दिल नहीं है, मतलब मेरा शिकार तेरी निकल। तो इसके बाद मैं भाई बहुत देर से छुपा रहा, मतलब अपने घर के नीचे छुपा रहा, इसको देख के छुपा रहना पड़ता है, मतलब किस्मत देख रहे हो मेरा, मतलब मैं PvP बंदा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है तो छुपा रहता हूँ। बड़ा बड़ी करते थे मैं छुपा रहता हूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद मैंने गया इसके पास फिर से, क्योंकि यहाँ पे क्या करने गया था मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। हाँ याद आया, तो यहाँ पे वेंडिंग ट्रेनर मिला था, हाँ ओके, ये किसी ने मेरे को बोला था यहाँ पे ट्रेनर है, तो भाई इसको भी यहीं पर स्पॉन होना पड़ता है। तो अभी मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे मिनी ब्लॉक्स के लिए भाई आपको ब्लॉक भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलने वाला था, मतलब ये तो गलती से मैंने माइंड कर रहा था तो मेरे पास था, और ये वही ट्रेड कर रहा था और ये मिनी ब्लॉक दे रहा था, मतलब ठीक है। तो इसके बाद मैं चला गया ब्लॉक्स हंट करने, मतलब
हाँ और अनकंट है, क्योंकि मेरे पास सील टच था तो मैंने बोला कि सील टच उठा लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे कोल्स उठाए, बहुत सारे कॉपर उठाए एंड देन फिर से वापस आ गया, बिकॉज वो ओवर रिस्पॉन हो जाता, नहीं तो मतलब क्या बोले। तो इसके बाद ये भाग रहा था बंदा, तो मैंने बोला रुक जा एंड ठीक है हम फिर से ले रहा, और ये स्टॉक आउट कर दिया। भाई इतने सारे एमरल्ड मैं क्या खाऊंगा अभी बैठ के, इतने तो सब कुछ स्टॉक आउट कर देता है। और ये दरवाज़ा किसने लगाया भाई ऐसे करके, कौन इसका मालिक है? मतलब इसका मालिक तो ठीक है, उसका दिमाग ख़राब है ठीक है। बट इसके बाद भाई सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और यहाँ पे डायमंड ब्लॉक अभी तक क्यों पड़ा हुआ है मैं उठा लूँगा, मैं सच बता रहा हूँ। कि भाई मैंने क्या किया था, तो मैंने सोचा भाई इतने से मतलब ब्लॉक्स में तो काम नहीं चलेगा, तो मैं उसको डायमंड दे देता हूँ, पेमेंट हो जाएगा। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट 2 डायमंड ब्लॉक उसको दिया, मतलब देने का सोच रहा था ठीक है, सोच रहा था। तो 2 डायमंड ब्लॉक उठाए एंड बाकी मिनी ब्लॉक्स उठाया, और मैं उस बंदे को ढूंढने लग गया ठीक है। बट ये बंदा को ढूंढने के चक्कर में ना कुछ कांड हो रहा था यहाँ पे, मतलब फालतू का काम हो रहा था। तो ये देखो यहाँ पे अपना मनोज भाई साहब कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, तो मैंने सोचा भाई इसको परेशान करता हूँ, तो इसको मैंने धक्का दिया ऐसे, और ये मेरे पीछे लग गया भाई। मतलब पीछा छोड़ ही नहीं रहा ये भी मेरा, मतलब जो भी आज पीछे पड़ रहा है वो पीछा छोड़ ही नहीं रहा भाई। मैं किसी का क्या बिगाड़ू, मतलब कुछ ठीक है धक्का दिया था बट कुछ बिगाड़ा तो नहीं। मतलब ये देखो पास में आके कूद रहा है, भाग लो भाई यहाँ से, मैं तब से भागे जा रहा है भागे जा रहा है, और जो बुला रहा है तू उसके पास जाना, और यहाँ पे मैं पानी में जाके कूद के, सब लोग पानी में क्यों तैरने लगते हैं मेरे को पता नहीं चलता भाई, मैं पानी में जाता हूँ मेरी मर्जी, तुम लोग क्यों आते हो? ये देखो भाई ट्राइडेंट वाइडेंट लेके घूमता घूमता आ गया, मतलब ओ ट्राइडेंट मार रहा है साले, मैं भाग लूँगा यहाँ से देख लो ये। उसके बाद मैं यहाँ पे घुस गया, और ये देखो अभी स्पैम देखना, अभी क्लिक क्लिक का स्पैम देखना, वो भी स्पैम कर जा रहा है मैं भी स्पैम कर जा रहा हूँ, कहाँ पे स्पैम हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ता भाई, स्पैम कर लो सिर्फ स्पैम कर लो भाई। मैं अटक गया, अबे रुक जाइए देखो अभी वो ट्रिक शॉट लगाया, देख लो कहाँ से मारा भाई, क्या बोलते हैं उस खिड़की के अंदर से बाहर से जो भी है, और इसको बोलते हैं स्पैम भाई, कोई काम नहीं है सिर्फ स्पैम करो। इसके बाद भाई और क्या था, स्पैम ही करता रहा और क्या, और कुछ नहीं किया, और वो खाना खाया मैं बोला भाग निकल। तो इसके बाद मैं और ज़्यादा उसके साथ, ओए सील यूज़ कौन करता है भाई स्पैम के अंदर, मेरे को पता नहीं था एंड ये फिर से भाई लग गया। तो मैंने बोला भाई निकल यहाँ से, बोल के मैं निकल दिया, मतलब ठीक है भाई मेरे को बक्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, सुबह से ये पीछे पड़ा हुआ है रात हो रहा है देख लो, मतलब एक दिन पूरा बर्बाद ऐसे हमारा, मतलब ऐसे ही होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हर जगह ही होता है मे बी। और आपको दिखाऊंगा अभी एक और सबसे ज़्यादा नल्ला, ये देखो इसको मैं तब से बुला रहा हूँ पेमेंट देना है तेरे को, इधारा इधारा ये बंदा भाई इशारा समझता ही नहीं है, आता ही नहीं है भाई, इसका पीछा करा, इसका पीछे से जाके मारा भाई, बट फिर भी ये समझता ही नहीं है। मेरे को लगा ये आएगा घूम घाम के, क्योंकि यहाँ पे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर जाते, और भाई ये यहाँ से जाके भाग गया, मतलब क्या चल रहा है इसका दिमाग में, भगवान ही जाने आई डोंट नो व्हाई। मैंने सोचा भाई वीडियो बनाते हैं तेरे साथ, तो इसके अंदर गया, यहाँ पे जाके इसको 2 बार सिर्फ हिट किया ताकि ये घूमे, और अभी देखना बंदे ने शॉट निकाला और मैं ख़त्म। मतलब सर्वर में भाई सभी का दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा है, मतलब हाथ से मारता हूँ कोई आके एरो मारता है, कोई आके स्पॉट मारता है, कोई आके ट्राइडेंट मारता है, मतलब सही है भाई अब से किसको हिट क्या, मैं कुछ करने ही नहीं वाला।